नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। भारत में केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कॉलिशन को कम से कम 272 सीट्स चाहिए। जहां तक बात किया जाए साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में, तो बीजेपी को मिलते हैं टोटल 240 सीट्स, यानी कि बहुमत से इनके पास 32 सीट्स कम है। इस परिस्थिति में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और नीतीश कुमार यानी कि जदयू, टीडीपी के पास टोटल है 16 सीट्स और जदयू के पास टोटल 12 सीट्स, यानी कि इन तीनों को मिला के हो जाते हैं टोटल 268 सीट्स। और भी कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बीजेपी को सपोर्ट किया जाता है और एनडीए की सरकार बनती है। इसी बीच अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को सपोर्ट करते हैं तो उसके पीछे उनका भी कोई अपना इंटरेस्ट होता है। जहां तक बात किया जाए नीतीश कुमार के बारे में, तो नीतीश कुमार को ये उम्मीद था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, जिसको कि अभी रिसेंटली केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा उम्मीद था नीतीश कुमार को, वो नहीं हुआ। इसी बीच एक जो ऑब्वियस सा क्वेश्चन मीडिया में तैरना शुरू हो गया, वो ये है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा से पलटी मारेंगे। वहीं पे बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जिनकी अच्छी समझ है राजनीति को लेके, उनका कहना है कि नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल करियर के आखिरी पड़ाव पे हैं और इनका एज भी काफी हो गया। तो कहने का मतलब है कि इनके पास वो अब एडवांटेज नहीं है जहां पे ये सोच सके कि ये दोबारा से अपने कॉलिशन को चेंज करें। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी नीतीश कुमार अपने कॉलिशंस को बहुत बार चेंज कर चुके हैं। तो किसी भी काम को करने का एक सही टाइम होता है, जो टाइम बहुत हद तक नीतीश कुमार के पास अब नहीं है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर पीएम मोदी या सेंटर ने बिहार के स्पेशल स्टेटस रिक्वेस्ट को अगर रिजेक्ट किया, तो इन सारे कैलकुलेशंस को वो भी किए होंगे। और जहां तक बात किया जाए बीते रोज जो बजट को पेश किया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उस बजट में बिहार के लिए बहुत सारे स्पेशल पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया गया और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी बताया गया। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो बिहार को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे स्पेशल पैकेजेस को भी अनाउंस किया गया। खैर, ये सब तो रही पॉलिटिकल बातें। एज ए स्टूडेंट जो हमें समझनी है वो ये समझना है कि एग्जैक्टली ये स्पेशल स्टेटस होता क्या है और क्यों ऑलमोस्ट सभी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो मोर और लेस इस स्टेटस का डिमांड करते हैं, और ये स्टेटस मिलने के बाद किस तरीके से जो राज्य है उनको बेनिफिट पहुंचता है, इसको हम समझेंगे। अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें कि आखिर में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, तो हम सिंपली समझ ले कि ये एक टाइप का रिजर्वेशन होता है जो कि राज्यों को दिया जाता है। जब किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है तो उनको मोस्टली बहुत टाइप के जो फाइनेंशियल एडवांटेजेस होते हैं वो दिए जाते हैं केंद्र के द्वारा, और उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो सारे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिल रहे हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो और वो राज्य के अंदर भी मोर और लेस वैसा ही डेवलपमेंट हो जो अन्य किसी राज्य में है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को रिजर्वेशन मिलता है तो ये माना जाता है कि वो किसी भी तरीके से पिछड़े हुए हैं, जैसा कि नॉर्मली हम नौकरी में भी देखते हैं। भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1951-52 में होता है, और जैसे ऐसे हम प्रोग्रेस करते हैं वैसे वैसे अलग अलग चीजों का रिक्वायरमेंट हमें समझ में आता है। यानी कि सिंपली अगर हम किसी भी सफर में निकलते हैं तो सफर में निकलते वक्त हमारा जो एक माइंडसेट होता है वो अलग होता है, हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, लेकिन जैसे ऐसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें अलग अलग चीजों का रिक्वायरमेंट महसूस होता है। साल 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है, जहां पे बताया जाता है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट को टैक्सों का जो बंटवारा है वो करना चाहिए, और इसको बहुत ही फेमसली कहा जाता है गडगिल फॉर्मूला, जहां पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बताया गया था कि किस तरीके से उन सब राज्यों को मदद पहुंचाया जाए जो राज्य किसी भी तरीके से पिछड़े हुए रह गए हैं। और जब फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया जाता है कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए ताकि उनको सही तरीके से उनको फंड्स एलोकेट किया जाए और उनका डेवलपमेंट किया जाए, तो जो वो तीन राज्य थे जिनको कि सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी में रखा गया था, वो था जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। सो किसी भी तरीके से अगर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता था तो उनको किस तरीके से अपना डेवलपमेंट करना है, इसके बारे में मेजरली सजेशंस मिलते थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, जो कि प्लानिंग कमीशन का एक हिस्सा हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके अब बन चुका है नीति आयोग। जहां तक बात किया जाए प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में, तो अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्लानिंग कमीशन के पास अधिक पावर था ये अपने
रिकमेंडेशन को इम्पोज करवा सकते थे। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग के पास प्लानिंग कमीशन के इतना पावर नहीं है। साथ में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो नीति आयोग को बनाने के पीछे या इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो कहीं से भी इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं था जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव प्लानिंग कमीशन का था। साथ में अगर बात किया जाए कि किन सब स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया था, तो मेजरली उन सभी स्टेट्स को रखा गया था जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जो ट्राइबल स्टेट्स हम कह लें, या बहुत हद तक वैसे राज्य जो भारत के मेन लैंड से बहुत हद तक कटे हुए हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं बहुत हद तक अरुणाचल है, मिजोरम है, मेघालय है। इन सब रीजन में अगर अभी भी आप देखेंगे तो उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस हिसाब से डेवलपमेंट करना चाहिए था। और फिर साल आता है 2014 जहां पे तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है। तो जब तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है तो इनको भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है ताकि केंद्र सरकार इनको फाइनेंशियल एड दे और ये किसी भी तरीके से अपने आप को उन सभी स्टेट्स के बराबर ला के रखे जिनको कि हम जनरली कहते हैं जनरल कैटेगरी। फिर जब 2014 में सरकार बदलते हैं तो प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया जाता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे कमीशन को या बॉडी को खत्म करके एक नया बॉडी का फॉर्मेशन होता है। साल 2014-15 में बहुत सारे छोटे बड़े बदलाव किए जाते हैं। इसी में 14th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है उसमें ये कहा जाता है कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है इसको कंप्लीट तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन उन सभी स्टेट्स के ऊपर स्पेशल स्टेटस या कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो ऑलरेडी रहेगा जिनके ऊपर पहले से था, यानी कि असम, नागालैंड, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय। लेकिन इसके अलावा किसी भी और नए स्टेट्स को या स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। उसके बदले क्या रिकमेंडेशन किया जाता है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 42% जो है वो उन सब राज्यों को दिया जाएगा जो उनके हिस्सेदारी बनती है। तो कहने का मतलब है कि इनको स्पेशल कैटेगरी में ना रख के उनको जो टैक्स डिवोल्यूशन है उसको बढ़ा दिया जाए, जो कि पहले 32% था अब उसे 42% कर दिया जाता है। अगर किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य के द्वारा बार बार स्पेशल कैटेगरी में रखे जाने की मांग की जाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता होगा। नॉर्मली सेंटर के द्वारा या स्टेट के द्वारा अलग अलग टाइप के स्कीम्स को या प्रोग्राम को रन किया जाता है, जहां पे अगर किसी भी तरीके से सेंटर अपने किसी भी स्कीम या प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो भी कुछ फाइनेंशियल एड देते हैं। तो वैसे स्टेट्स जिनके पास स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिट है उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके से सेंटर और स्टेट दोनों मिलके उस स्कीम को अगर स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होता है सेंटर का वो होता है 90%, यानी कि अगर किसी भी तरीके से 100 रुपया खर्च किए जाएंगे तो जो 90% यानी कि जो 90 रुपया है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा केंद्र सरकार। वही नॉर्मली जो जनरल स्टेट्स होते हैं वहां पे कितनी बार 60-40 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कितनी बार 50-50 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि समय के साथ वो बदलता रहता है। लेकिन बहुत हद तक इसके विपरीत होता है स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स के साथ में। और साथ में क्या होता है कि जो बजट एलोकेट होता है अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर में वो बजट का पैसा अगर कुछ रह जाता है तो जनरली वो जो बचा हुआ बैलेंस पैसा होता है वो लैप्स कर जाता है। लेकिन इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स वो पैसा लैप्स नहीं करता है। और साथ में फिर अलग अलग टाइप के जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो भी दिए जाते हैं। तो सिंपली जो हमें समझना है वो ये समझना है कि वैसे राज्य जो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए हैं अपने आप को, उनको डेवलप करने के लिए जो मेन असिस्टेंस है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस का इस स्पेशल कैटेगरी में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसीलिए जो स्टेट्स है वो ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को किसी भी तरीके से वो पिछड़ा दिखाएं और एक सही मोमेंट का तलाश करते हैं जहां पे किसी भी तरीके से वो प्रेशर जनरेट करे और अपने आप को स्पेशल कैटेगरी में रखे या रखवाएं। और साथ में अगर बात किया जाए तो 100% में 30% जो एलोकेशन होता है केंद्र सरकार के जो बजट का वो डायरेक्टली जाता है स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स को। तो कहने का मतलब है कि हर तरीके से फाइनेंशियल एड दिया जाता है, चाहे वो कम टैक्स वसूलना हो चाहे डेडिकेटेड बजट हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाता है। तो साथ में जब इतना बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाता है तो यहाँ पे चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि और भी स्टेट्स जो किसी भी तरीके से जनरल कैटेगरी में आते हैं वो भी कहीं ना कहीं देखा देखी कहीं ये डिमांड ना करना शुरू कर दे कि उनको भी स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर सभी स्टेट्स रिजर्वेशन का डिमांड करेंगे तो जो केंद्र के पास जो पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे, साथ में और भी जो सरकार को इन्वेस्टमेंट करने होते हैं डिफेंस में या किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो वो सारे डेवलपमेंट सरकार नहीं कर पाएंगे और सारा का सारा जो पैसा है वो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि वेस्ट हो जाएगा। और जहां तक बात किया जाए स्पेशल कैटेगरी के बारे में, तो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है पढ़ने लिखने के बाद कि भारत का कोई भी स्टेट किसी भी तरीके से
से पिछड़ा हुआ या गरीब नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए उस तरीके से सरकार काम नहीं करते हैं, और बहुत बड़ा जो एक रेवेन्यू का सोर्स होता है उसको एक टेंडर के माध्यम से इंट्रोड्यूस ना करके अपने बहुत ही पर्सनल तरीके से उन सब चीजों को एलोकेट कर दिया जाता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में कंक्लूड करना चाहें तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब होता है कि उन सभी स्टेट्स को बढ़ चढ़कर फाइनेंशियल एड मिलेगा, और किसी भी तरीके से अगर वो स्टेट केंद्र में सरकार फॉर्मेशन में उनका एक रोल है तो कहीं ना कहीं वो एज एन प्रेशर ग्रुप भी काम करेंगे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा। और जहां तक स्पेसिफिकली बात किया जाए बिहार के बारे में, तो ये हो सकता है कि बिहार के बारे में ये परसेप्शन है कि बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन अगर आप बिहार आएंगे और जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट है उसको देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि बिहार अगर आज के डेट में गरीब है तो वो बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।